हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आज की इस क्लास में हम डाटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। दो पैसेजेस करेंगे आज की इस क्लास में। डाटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, तो जल्दी से अपना कॉपी पेन हाथ में पकड़ के बैठ जाइए। इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और ये जो दो पैसेजेस आज आपको करवाने वाले हैं, जैसे एक पैसेज है आपका 2020 के एग्जाम, जो अभी 2020 का एग्जाम हुआ है उसका, और एक पैसेज एक्स्ट्रा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। दो पैसेज आज हम करेंगे और लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को। और दूसरी बात, मैं आपकी चैट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो, ये एक प्री रिकॉर्डेड। तो जान लेते हैं सबसे पहले प्लस कोर्स के बारे में। अन अकेडमी पर मेरा प्लस क्लासेस जो है वो चल रही है, और फिलहाल मेरा कोर्स चल रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी की मेरा रेफरल यूज करके। अन अकेडमी से आप किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरा रेफरल यूज करके, आपको इंस्टेंट 10%। ठीक है जी, ये 21 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको जो है एसेस मिलती है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन, सिंगल सब्सक्रिप्शन। और दो तरह के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, प्लस एंड आइकन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन होती है, इसमें आपको पर्सनल कोच एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन फैसिलिटीज जो है वो आइकनिक सब्सक्रिप्शन से आपको एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, जो प्लस सब्सक्रिप्शन की एक्स्ट्रा होती है। इसके अलावा प्लस की अगर बात करें तो फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लीजिए। प्लस में अगर आप 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इससे आपको 830, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल यूज करते अगर आप मेरा रेफरल यूज करते हो सिमट, तो इससे आपको 10% ऑफ मिलता है और ये रह जाता है। ठीक है जी, और इसी तरह से आइकनिक सब्सक्रिप्शन पर भी यही है, 10% दे सकते हो। ये सभी कोर्सेज आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, इन सब कोर्सेज की असेस जो है वो होती है एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक ही सब्सक्रिप्शन में सबकी असेस आप ले सकते हैं। ये वर्क्स बाउंड प्रोग्राम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, जो भी इन एप्रोप्रिएट कंटेंट को लगता है कोई। सैटरडे को सुबह 10 बजे ये इवेंट आपके लिए लेके आ रही हूँ, सक्सेस स्टोरी इवेंट है। और गेट इकोनॉमिक्स कैंडिडेट हैं, ज्यादा कैंडिडेट हैं, शामिल हुई 15th of July लास्ट डेट है इस इन प्राइजेस पर सब्सक्रिप्शन लेने की। इसके बाद सब्सक्रिप्शन प्राइजेस हाइक हो सकते हैं, सो मस्ट इंश्योर योर सब्सक्रिप्शन ऑन टाइम। इसके अलावा 31st of July तक ऑफर चल रहा है अभी, 6 और 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने एक्स्ट्रा। तो इस ऑफर को अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अभी से सब्सक्रिप्शन को अपनी इंश्योर कीजिए। आपको वेजिटेबल्स भी गिवन है और ईयर भी गिवन है, पोटैटो टोमेटो ओनियन, थ्री वेजिटेबल्स उसने दिए हैं। 2014 से लेके 2019 तक के ईयर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन बताई गई है कि पोटैटो की, है ना, प्रोडक्शन आपको यहाँ पे बताई गई है टोन्स में। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, आप भी अपना साथ साथ में निकालिएगा क्वेश्चन, बिकॉज ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं आपके रिप्लाई साथ साथ में अपना क्वेश्चन आप सम टाइम। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज लेस देन दैट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन, किस साल में जो पोटैटो की प्रोडक्शन है वो एवरेज प्रोडक्शन से कम है, आपको पता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब ये है पोटैटो की प्रोडक्शन, उसने कहा है किस साल में पोटैटो की प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से कम है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए ये आपके सामने प्लस कर लीजिए, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सबको प्लस कर लीजिए, हरी अब आप भी कीजिए इसे प्लस। तो कितना आया प्लस करके, ख्याल से 2600 आना चाहिए, और 6 से डिवाइड करेंगे उसे, 433 पॉइंट समथिंग आया, ये भी एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है। ज्यादा है
तरह की। 1800-1900 तो इसमें है ही नहीं, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं, तो सी करेक्ट आंसर आएगा, सी ओनली। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। एवरेज प्रोडक्शन निकाली, तो इस साल में जो पोटैटो की प्रोडक्शन है वो एवरेज प्रोडक्शन से कम है, तो सिर्फ यहाँ पे सी ओनली 2015 ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चलते, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो द लीस्ट, किस साल में टोमेटो की प्रोडक्शन सबसे कम है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, 2020 के एग्जाम टेबल है सारा, तो इसमें टोमेटो की प्रोडक्शन किस में लीस्ट है उसने ये पूछा, तो ये 50 है, 70 ये रही ली। 2016 में लीस्ट है ना, 2016 इसका हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द ग्रोस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन द ईयर 2018। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब जो आपको नेट का फर्स्ट पेपर आता है मैं इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस बड़े टफ आने लगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बड़े लेंथी आने, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस लेंथी आने लगे हैं, असम्पशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा। लेकिन जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है ना वो इजी हो गया। अगर आप 2019 एंड 2020, तो 20 का डाटा इंटरप्रिटेशन का एनालिसिस करें ना, 2014-15 वाले बैचेस, तो जो 2014-15 वाले बैचेस तो इतने डिफिकल्ट होते थे ना, उन्हें सॉल्व करने ऐसा लगेगा कि आधा घंटा तो उनको। लेकिन अगर आप 2019-20 वाले देखो ना, तो उसके मुकाबले बहुत ईजी आ रहे हैं। मतलब जो आपका पैटर्न एग्जाम का थोड़ा चेंज हुआ है ना, अब आपका डीआई इजी आता है, ज्यादा टफ नहीं आता, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अब ये देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है, इसने सीधा सीधा कहा है कि ग्रोस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स 2018 में कितनी। सिंपली आपको इसमें क्या कर देना है, टोटल तो ये है आपका 700 है, प्लस 700 में प्लस कर देते हैं हम, 70 में प्लस कर देते हैं हम 5, ठीक है, तो 1270 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम द ईयर 2018। ये है 18, ये है 19, ने कहा है कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई टोटल प्रोडक्शन वेजिटेबल्स की 2018 से 2019 में, ठीक है। सो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाल, हाउ कैन वी फाइंड the percentage increase, to find the percentage increase you have to deduct the 2019 amount by in 2018 and divide by initial amount 2018 multiply by the formula to calculate percentage increase। अब 2019 की amount यहाँ पे है 800 and 2018 की है 700, divide by 700 multiply by 100 है ना, तो यहाँ पे आएगा आपका कुछ, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 700, ठीक है, तो 100 को आप डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, 7 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7 2018 से 2000 इज इंक्रीज ऑफ द टोटल, ओके टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल उसने, ये सारे हम प्लस करें जैसे पोटैटो का, तो उसने कहा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, मतलब हमने अभी 2018 का टोटल पिछले सम में निकाला था, दैट इज 1270 है ना, 1270, तो इसका भी टोटल निकाल लेंगे, दैट इज 800, दैट इज 800 प्लस 90 प्लस 600 इट विल बिकम 1490। अब करिए इसे सॉल्व, 1490 माइनस 260 डिवाइड बाय 1270, अब ये सोल्व होगा आपका, 1490 में से हम प्लस करना 70, देन इट विल बिकम 220
220 डिवाइड बाय 1270 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? तो इसे आप करेंगे तो ये आएगा 2200 ओम, क्या आएगा ना 20, कैलकुलेशन एक बार चेक करें, इज 1 then it will become 17 point something, है ना, 17 point something आएगा then answer. Clear हो गया ना, total production उसने पूछी थी increase हुई है, ये आगे 1270, 1490, 1490 में से 1270 माइनस किए डिवाइड बाय 1270 मतलब 100. तो ये आपका सॉल्व करके आप 2200 डिवाइड बाय 127 आया, वो अगर आप डिवाइड करें तो सारा. नेक्स्ट सम पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच ईयर द प्रोडक्टिविटी वेजिटेबल इज मैक्सिमम, इस साल में जो वेजिटेबल है उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है. ऐसा कीजिए जो इयर्स दिए हुए हैं ना, 16, 19, 17 का एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना. ये तो आपका आ गया 440 ना, ये आ गया आपका 500, ये आ गया आप, ये हमने अभी किया था 1200, ये आ गया 1490. हाईएस्ट किसमें हुई, 2019 में हाईएस्ट हुई, करेक्ट है. ओके, ये हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं, होप ये सबको समझ में. क्वेश्चन पर चलते हैं. पैसेज पर वर्ड्स नेक्स्ट पैसेज ये देखिए, ये जो पैसेज है इसमें दिया क्या गया है पहले ये ध्यान, इसमें वो दिए हैं सब्जेक्ट्स दिए हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है. और दूसरी तरफ मैक्सिमम मार्क्स दिए एक सब्जेक्ट 200, 100, 200 और ये PQRST, ये अलग अलग स्कूल्स है, ठीक है. QRST क्या है, अलग अलग स्कूल्स. तो इन स्कूल्स में बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड, ये दिए हैं, ठीक है. तो अब देखिए ये आपका टेबल है, सारा टेबल समझ में आ गया ना, मैक्सिमम मार्क्स और ये मार्क्स उन्होंने अचीव. अब देखिए व्हाट वर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इन हिस्ट्री फ्रॉम स्कूल क्यू. टोटल मार्क्स जो बॉयज के द्वारा ऑब्टेन किए गए हैं क्यू स्कूल में से, ठीक है, ये है क्यू स्कूल. सो व्हाट वर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इन हिस्ट्री फ्रॉम स्क्यूड बाय बॉयज रही स्कूल इन टोटल मार्क्स.
Wait a minute, I am just checking the statement. ओके ओके यस, देयर इज समथिंग मिसिंग, तो लिख लीजिए. एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 बॉयज, 20 बॉयज है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम 5 स्कूल्स आर गिवन बिलो, फ्रॉम 5 स्कूल्स आर गिवन बिलो. ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट. अब हो जाएगा ना, एक्चुअली उसने क्या दिया है कि एवरेज मार्क्स जो है 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स के द्वारा ऑब्टेंड किए गए हैं 5 सब्जेक्ट. अब स्टेटमेंट क्लियर हो गई. तो ये आपको एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं 20 बॉयज एंड 20, क्या दिए हैं, एवरेज मार्क्स. तो अब निकल जाएगा ये सब. सो अब ये क्वेश्चन है, व्हाट वर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इन हिस्ट्री फ्रॉम स्कूल क्यू. तो ये जो 45 है ये क्या है, एवरेज मार्क्स है ना बॉयज के. तो हमें क्या निकालने हैं, हमें टोटल मार्क्स, मतलब हमें सिग्मा एक्स निकालना है. तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन. अगर आपको सिग्मा एक्स निकालना है तो आप मीन को मल्टीप्लाई करेंगे एन के साथ, ठीक है. सो मीन यहाँ पे आपका आ गया 45 एंड एन मतलब बॉयज कितने हैं यहाँ पे 20, ठीक है. सो इट विल बिकम 900, है ना. तो ये 900 हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया. सो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आएगा, क्लियर है ना. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डिड द गर्ल्स हैव द हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम ऑल द स्कूल्स. कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें गर्ल्स के हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स है फ्रॉम ऑल स्कूल्स. ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी इसमें दूंगी, आप खुद भी एक बार सॉल्व करके ट्राई कीजिए. तो इनमें से कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें जो गर्ल्स हैं उनकी हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज है, हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज है. तो ये है इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड साइंस. तो उसने क्या कहा है, किस सब्जेक्ट में जो गर्ल्स हैं किस सब्जेक्ट में उनकी हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज आपको नजर आ रही है. ये गर्ल्स हैं, है ना, और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. तो अगर हम देखें हिस्ट्री में, तो आप देखिए हिस्ट्री में जो गर्ल्स हैं 200 में से 90 है. ऑब्जर्वेशन से इसे करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा चले जाएगा, ठीक है. अब इसमें इसके 200 मैक्सिमम मार्क्स थे और 200 में 90 है, 75 है, 1, मतलब 100 से नीचे ही आए हैं ज्यादातर, है ना, इतनी ज्यादा कुछ खास परसेंटेज हाई है. अब जो हिस्ट्री है इसमें गर्ल्स के नंबर देखें तो 100 में से 50, ये भी 50% अप्रोक्सीमेट बने हैं, है ना, ये भी अप्रोक्सीमेट 50% ही बनेंगे क्योंकि 100 से कम ही गए हैं ज्यादातर. तो इसके देखते हैं, ये भी 50, then 45, then 55, ये भी मतलब अप्रोक्सीमेट उतना ही 50 अप्रोक्सीमेट ही बन रहे हैं. अब देखते हैं इसके मैथमेटिक्स के, इसमें 200, 110, 85, 130, 80, 135, इसमें भी मतलब दो स्कूल्स ऐसे हैं जिसके 100 से नीचे ही जा रहे हैं. अगर हम साइंस का देखें तो इसमें 125, 120, 115, 90. देखिए जो साइंस है ना इसमें सिर्फ एक ही स्कूल है जिसमें साइंस में गर्ल्स के नंबर कम गए हैं, सिर्फ एक ही स्कूल देख सकते हैं आप, सिर्फ एस. उसके अलावा सभी स्कूल्स जो हैं उसमें नंबर जो है वो 50% से ज्यादा है. इसमें भी 50% से ज्यादा है, 200 में का 150% हुआ ना, 200 का 150% हुआ. तो इसमें भी 100% से ज्यादा है, इसमें भी 100% से ज्यादा है, इसमें भी 100% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा सॉरी, और इसमें भी 50% से, सिर्फ एक में ही कम है. लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स में देखते तो इसमें इसमें तो 50% थे, इसमें 50 मतलब दो में कम थे, इसमें सिर्फ एक में ही कम है. तो देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट फिर साइंस में हुए, बात समझ आई.
इस तरह हमने ऑब्जर्वेशन मेथड से ही वो चीज चेक कर ली, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो साइंस में ही हुए। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For which of the following schools was the pooled average marks of the boys in all the subjects at least? अब इसमें से कौन सा स्कूल है? In which of the following schools was the pooled, pooled मतलब इकट्ठा, मतलब total average marks of the boys in all the subjects at least? अब आप क्या करेंगे, इन सभी स्कूल्स को कैलकुलेट करके क्या देखेंगे? P, Q, R, S, T. So I am giving you some time for solve. तो इसमें एक चीज देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें तो जो एस है ना, एस में जो मार्क्स हैं बॉयज के, वो बाकी के स्कूल से कम है ना। देखिए अब इसमें जो बॉयज के नंबर है 85 ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, 100 में 40%, 50%। देखिए कंपैरिजन कीजिए ध्यान से, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बस आपको कंपेयर करना है। सबसे कम देखने है ना, इसमें देखो सबसे कम है, लो इसमें 65 है सबसे कम, ठीक है, इसमें 40 सबसे कम, इसमें 50 है, चलो इसमें इतने नहीं है, मतलब हम तो कुछ एवरेज देखना ना कि सभी को मिला के सबसे कम किसमें बनते हैं। इसमें 75, इसमें भी सबसे कम है, और इसमें 85, लो इससे भी सबसे कम है। मतलब ज्यादातर जो ऐसे स्कूल है इसमें बॉयज के नंबर सबसे कम आ रहे है ना। That is the observation. इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन करके निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करने बैठ जाए तो बैठे रहेंगे बस। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन करके निकाले तो जो S है इसमें सबसे लीस्ट नंबर बन रहे हैं, ठीक है। सो S जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स वाज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स इन मैथमेटिक्स मोर देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज हिस्ट्री एग्जैक्टली बाय 100%। कहता है कौन सा स्कूल है जिसमें गर्ल्स के मैथमेटिक्स में नंबर जो है वो बॉयज के हिस्ट्री में जो नंबर है उनसे एग्जैक्टली 100%, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम। ओके, तो इसको भी आप ऑब्जर्वेशन से करके देखिए। मैंने भी इसे एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन से ही किया है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से अगर करें तो हमें हिस्ट्री के एंड मैथमेटिक्स के देखने थे, हिस्ट्री के एंड मैथमेटिक्स के। तो अगर पी स्कूल देखना था ना, अगर पी स्कूल का देखें तो ये हिस्ट्री के बॉयज के हैं और ये मैथमेटिक्स गर्ल के, ये 100% नहीं है, मतलब एग्जैक्टली उससे जो है वो ज़्यादा नहीं है, गर्ल्स के 100% ज़्यादा नहीं है। तो इसका अगर देखें 45 एंड 85 ये भी नहीं, 51, 30 ये भी नहीं। तो इसका देखिए 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, एग्जैक्टली डबल है, परसेंट का मतलब कि उससे एग्जैक्टली डबल। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में गर्ल्स के नंबर हैं वो इससे एकदम डबल है ना इस स्कूल में, एस स्कूल, तो एस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, What was the difference between the total marks obtained in mathematics by boys from school R and girls from school S? उसने कहा है total marks obtained by mathematics by boys के द्वारा mathematics में number R school में, ये रहा R school, ये रहे boys and ये रहे mathematics में number।
एंड द गर्ल्स फ्रॉम स्कूल एज डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स इन मैथमेटिक्स बाय बॉयज फ्रॉम स्कूल आर एंड द गर्ल्स के एस स्कूल में, ये रही गर्ल्स और इसके एस स्कूल में, ये डिफरेंस आपको देखना है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, एवरेज मार्क्स है लेकिन आपको जो निकालना है ना वो डिफरेंस निकालना है टोटल मार्क्स, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स। तो आप क्या करेंगे, ये जो बॉयज के 135 है, हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी, बॉयज कितने हैं 20, गर्ल्स कितनी है 20, तो 135 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 80 है इसे भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 135 को अगर हम 20 से करें तो 2700 आएगा, ये आपका 1600, तो इनमें डिफरेंस कितना हो जाएगा 1600 इक्वल टू 1100। सबको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ काइंडली सी द वीडियो अगेन और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, मैक्सिमम लाइक एंड शेयर, मैक्सिमम प्रमोट कीजिएगा। Thank you very much for watching. Take care. Bye bye.